अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेमा मालिनी, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन जब बात आती है उनकी सबसे चर्चित भूमिकाओं की, तो फिल्म शोले की बसंती का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बसंती, जो अपने चुलबुले अंदाज और हिम्मत से सिनेमा प्रेमियों का दिल जीत लेती हैं, जरूरत पड़ने पर अपनी टांगा खींचने वाली घोड़ी धन्नो की सवारी करके फिल्म की दिशा ही बदल देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोले में धन्नो की सवारी करना सिर्फ मजेदार सीन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा जोखिम भी था। और इसी जोखिम को देखते हुए हेमा मालिनी ने फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी के सामने एक अनोखी शर्त रख दी थी। ये किस्सा जितना रोमांचक है उतना ही दिलचस्प भी है। बिना सुरक्षा के किए गए थे स्टंट। हेमा मालिनी ने हाल ही में एक रियलिटी शो में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उस दौर में फिल्मों में स्टंट्स और खतरनाक दृश्यों को करने के लिए आज की तरह सुरक्षा का पूरा इंतजाम नहीं होता था। तब न तो हॉर्नेस होते थे, न ही कोई विशेष सुरक्षा उपकरण। हर सीन को जोखिम के बीच ही शूट किया जाता था। आज के दौर में हर स्टंट को पहले से पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में शूट किया जाता है, लेकिन 70 और 80 के दशक में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उस समय स्टंट्स को अपनी जान की बाजी लगाकर सीन शूट करने होते थे। जब हेमा मालिनी ने रखी थी शर्त, शोले में धन्नो की सवारी का सीन शूट करने से पहले हेमा मालिनी को इस सीन की खतरनाकता का एहसास था। उन्होंने रमेश सिप्पी से शर्त रखी कि वे ये सीन तभी करेंगी जब रमेश सिप्पी खुद पहले ये स्टंट करके दिखाएंगे। इससे पहले भी फिल्म सीता और गीता में पंखे से लटकने वाले सीन के लिए हेमा ने रमेश सिप्पी से यही शर्त रखी थी। हेमा मालिनी ने बताया कि उन्होंने फिल्म सीता और गीता में भी पंखे से लटकने वाले सीन के लिए रमेश सिप्पी से कहा था कि पहले वे खुद पंखे पर बैठकर दिखाएं। इस पर रमेश सिप्पी ने हंसते हुए खुद पंखे पर बैठकर दिखाया, तब जाकर हेमा मालिनी ने वह सीन किया। इसी तरह शोले में धन्नो की सवारी करने से पहले भी उन्होंने यही शर्त रखी और रमेश सिप्पी ने पहले खुद घोड़ी पर बैठकर दिखाया। 49 साल बाद भी ताज़ा है याद। आज शोले को रिलीज हुए 49 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिल्म के कई किस्से और सीन आज भी लोगों के दिलों में ताजगी से बसे हुए हैं। खासकर बसंती और धन्नो का वो सीन जिसमें हेमा मालिनी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी और साहस का परिचय दिया।